हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल वीजीएफएक्स पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पासपोर्ट फोटो साइज के बारे में कि पासपोर्ट फोटो साइज कैसे बनाते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या जरूरी होता है। A4 शीट पे अगर आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए आपको कौन सा साइज लेना होगा और किस साइज का हमें यूज करना होगा, तो आइए चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये इमेज हमने ओपन कर लिया, ये वाली इमेजेस। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे जाना है क्रॉप टूल में। ये देखिए फोर्थ फिफ्थ नंबर पे क्रॉप टूल हमारा होता है, इस पर क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद ये चारों पोर्शन आपके पास में आ गए हैं इस टाइप से। तो यहाँ पे आपने विड्थ और हाइट लिखनी है, यानी कि 1.2 लिखना है और यहाँ पे लिखना है आपने 1.4, ठीक है। उसके बाद आप टाइप कीजिए, आगे बढ़िए और यहाँ पे 300 हमें DPI लिख देना है। DPI लिखने के बाद आपने इस कर्सर को थोड़ा सा इमेज को ऊपर नीचे कर देना है, ये देखिए इस टाइप से, और डबल क्लिक कर देना है। जब आप डबल क्लिक करते हैं तो ये आपकी इमेज इस पोर्शन में कट हो जाती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कई बार चेहरे पे फेस वगैरह पे धब्बे वगैरह रहते हैं, तो इसको स्मूथ करने के लिए क्या तरीका होता है, आप इरेजर लीजिए, ई प्रेस कीजिए। यानी कि जब आप ई प्रेस करते हैं तो आपने ओपेसिटी जो रखनी है यहाँ पे 11 रखनी है। 11 जब आप ओपेसिटी प्रेस करेंगे तो उसके बाद में आपने यहाँ पे इंक टूल लेना है, ये तो ये कलर आपका सेम इसके पास में आ गया, ये वाला कलर। अब आपने इरेजर का यूज करना है और इरेजर का यूज करने के बाद जहाँ जहाँ भी आपको डार्क सर्कल लग रहा है या कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ब्रश आपको दूसरा लेना पड़ेगा इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड में आप गए। बैकग्राउंड पे जाने के बाद आपने क्या किया है, इसको ओके कर लिया, यानी कि इसको एक सिंपल इमेज बना दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप गए और यहाँ से इसको आपने ऐसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है और इसमें स्ट्रोक देने हैं। स्ट्रोक आप एडिट से भी यूज कर सकते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रोक देना आपको 3 पॉइंट का, इसको हमने ओके कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आप वापस क्लिक करते हैं तो ये आपका चारों तरफ की जो सिलेक्शन थी वो हट जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, न्यू पे जाना है और न्यू पे जाने के बाद A4 का साइज हम ले लेते हैं। याद रखना DPI इसकी 300 ही होनी चाहिए, ठीक है। क्रिएट किया इसको, यहाँ आप अपनी फ़ोटो पे जाएंगे, ये वाली फ़ोटो मूव टूल का यूज करेंगे और इसको इस पर सिंपली ड्रैग कर देंगे, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपने ड्रैग कर दिया, अब यहाँ पे आर्ट आपने प्रेस करना है और एक फ़ोटो इसके बगल में लगा देनी है आर्ट के साथ। जब आप करोगे तो डुप्लीकेट उसकी बनती चली जाएंगी ऑलरेडी। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा इस टाइप से ले रहा हूँ, है ना। ठीक है, शिप के साथ सारी लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम इस टाइप से कर देंगे, है ना। अब मैं दोबारा इसी टूल को, मार्कर टूल को ले रहा हूँ, रेक्टेंगल टूल को। आपने क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल आल्ट के साथ इसको नीचे ले आना है, ये देखिए। फिर दोबारा कंट्रोल आल्ट दबाएंगे आप, फिर दोबारा आपने कंट्रोल आल्ट दबाना है, और उसके बाद इस तरह करके आप पूरा का पूरा कंट्रोल आल्ट के साथ नीचे लेते हुए आ जाएंगे। इसको हम डिलीट कर देते हैं, इस पोर्शन को वहीं तक ही रखते हैं। अब ये देखिए इतनी लेयर्स आपकी हो गई हैं, आप चाहो तो इनको कंट्रोल शिफ्ट करके कॉपी करने की जगह मर्ज भी कर सकते हो इनको। जैसे कि मैं यहाँ पे इसमें लेयर में आइए, लेयर में आने के बाद में आपने क्या करना है, मर्ज लेयर कर देना है।
तो ये सारी इमेजेस एक साथ मर्ज हो गई हैं। अब ये आप इसको नीचे कर सकते हैं इस टाइप से, और ये आपकी पासपोर्ट साइज फोटो तैयार हो गई है। तो इस तरह आप इसको कट एंड पेस्ट कर सकते हैं और अपनी सीट तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि A4 साइज की सीट हम कैसे प्रिंट करते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ और नई जानकारियां। सो प्लीज कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द YouTube चैनल।